नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे फ्लोर मील के बारे में, एक आटा चक्की के बारे में। ये आटा चक्की उन माता बहनों के लिए है, फिर उन लोगों के लिए है जो घर से ज़्यादा बाहर जा नहीं सकते हैं और जो 2 रुपये में 10 किलो पिसाई चाहते हैं। और आप छोटा सा आपका परिवार है, 4-5 लोग घर में रहते हैं, या फिर क्या कहें थोड़ा आपका मध्यम परिवार है जिनका बजट सिर्फ 20,000 तक है, उनके लिए सबसे अच्छी मशीन है। आइए हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से कार्य करती है, क्या क्या इसके फीचर हैं और किन किन चीज़ आपको इसके साथ मिलेंगी। किस प्रकार से आप बाजरा, गेहूँ, मसाले सब चीज़ से पीस सकते हैं। ये एक तरह की ऑलराउंडर है। चलो देखते हैं इसके बारे में। राठी कंपनी ने इसे बनाया है। चलो इसकी अनबॉक्सिंग की जाती है। तो हमारे पास ये देखिए इस तरह की राठी इस पर लिखी आएगी, 100% कॉपर इसके अंदर मोटर होती है। अब और ये एक तरह के फ्रिज टाइप की लगती है। कुछ लोग समझ रहे होंगे कि फ्रिज है, फ्रिज नहीं है, लेकिन ये एक तरह की आपकी मशीन है। चलिए अलग इसे खोल के दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, सबसे पहले आपको इसके अंदर एक हॉपर देखने को मिलेगा और एक वायर देखने को मिलेगा, ऑन ऑफ मोड देखने को मिलेगा, जिसमें आप गेहूं और बाजरे में स्विच कर सकते हैं। अब ये दिखाते हैं, ऊपरी दृश्य दिखाते हैं कि ये आपके लेबलिंग के बारे में। इसमें साफ साफ दिया भी होता है, देख सकते हैं होपर। देखिए होपर ये रहा जो मैंने उसमें दिखाया था वीडियो में, होपर बता रखा है। ये होपर आपके इसमें है, ये आपके साइड में देखिए यहाँ पर दिखा रखा है आपका वायर इसके अंदर है, ऑन ऑफ स्विच है। ऑन ऑफ स्विच ये गेहूँ और बाजरे की मोटी पिसाई के लिए है, किस प्रकार का आपको वो पीसना है। और आप देखिए इसमें हमें इस प्रकार की जालियाँ भी मिलती हैं, जो कि आपका नंबर दिया हुआ है। 1 नंबर की मैदा के लिए होती है, 1.5 नंबर वाली जाली है जो 2 नंबर की, ये देख सकते हैं ये आपकी बेसन के लिए होती है, बारीक बेसन के लिए। 2 नंबर की जाली है जो वो बेसन मध्य, 2.5 नंबर की जाली बारीक आटा, 3 नंबर की मध्यम आटा के लिए, 4 करकरा आटा, 6 नंबर की जो जाली है देखिए ये वाली, ये आपकी मसालों के लिए होती है, 7 नंबर की दलिया के लिए होती है। आइए आपको कुछ हम अंदर की चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कि आपको पहले हम बता देते हैं फिर अंदर से इसे दिखाएंगे भी। सामने का दृश्य जो देखिए जी आपका ये है, ये पोर्शन है, इसके अंदर आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा? सेफ्टी डोज स्विच देखने को मिलेगा, आगे हम वीडियो में दिखाएंगे उसको। चैम्बर देखने को मिलेगा। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए सब्सक्राइबर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप इस तरह की एजुकेशन से लेके और आपके जितने भी घरेलू उपाय हम बता रहे हैं या फिर जितनी मशीन दिखा रहे हैं वो आपको देखते रहें। देखिए इसके अंदर चैम्बर देखने को मिलेगा, इम्पेलर देखने को मिलेगा, साउंड प्रूफ डोर होता है इसके अंदर, एक स्टेनलेस स्टील की आपकी ये इस तरह की वो देखने को मिलेगी, जाली सेट देखने को मिलेगा, फिल्टर देखने को मिलेगा, कंटेनर देखने को मिलेगा और कैबिनेट देखने को मिलेगा। और आप इस तरह से आपको बर्तन लगाना है उसके अंदर, जिसमें वो आप आटा, दाल, मसाले कुछ भी पीस रहे हैं वो उसके अंदर चले जाएँ। आप देख सकते हैं आटा चक्की चलाने का तरीका भी इसमें दिया हुआ है, आपको पहले हम बता देते हैं उसके बाद दिखाएंगे। सबसे पहले आपकी जिस प्रकार की बारीक या मोटा आपको चाहिए आटा चाहिए, उस तरह की आपको ये जाली लगानी है, उस जाली लगानी है आपको। और जाली लगने के बाद क्या होगा कि आप दरवाजे को बंद करना होगा, उससे पहले चल नहीं पाएगी। अब बंद करेंगे तो बारीक या फिर मोटा आटा या फिर मसाले जिस प्रकार के आप पीस रहे हैं उस हिसाब के वो पिस जाएंगे। 2 नंबर में देखिए, अब आटे के डिब्बे पर फिल्टर या थैली ठीक से लगाकर फिल्टर या थैली को बाइटिंग चैम्बर में ठीक से डालें, लगाने के बाद में कैबिनेट का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। 3 नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आटा चक्की की पावर केवल लगाकर स्विच चालू करें जिससे म्यूजिक बजेगा, अनाज के अनुसार मोड स्विच को 1 या 2 पर सेटिंग करें। ये देखिए 1 या 2 जो उसमें बताया जा रहा है, ये बाजरा या फिर गेहूँ जिस प्रकार का आप पीस रहे हैं उस हिसाब का आपको देखना पड़ेगा। होपर में अनाज डालने पर आटा चक्की ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, अनाज खत्म होने पर चक्की 1 से 2 मिनट में अपने आप बंद हो जाएगी। इसमें ये फीचर बहुत ही अच्छा फीचर है कि अपने आप जब आपका अनाज पूरा हो जाएगा, जो आपका अनाज है पूरा पिस जाएगा, तो 1 से 2 मिनट में ही पूरी तरह से बंद हो जाएगी। उसके बाद होपर में अनाज डालने पर आटा चक्की देखिए ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, अनाज खत्म होने पर 1-2 मिनट में हो जाएगी, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए कैबिनेट के दरवाजे को खोलकर आटे के डिब्बे को बाहर निकाल ले, आटा थोड़ा ठंडा होने के बाद फिल्टर या थैली और बाइडिंग चैम्बर बुर्स से साफ करें। एक इसके अंदर बुर्स होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके अंदर जो होता है कि आटा हमारा फंस जाता है, तो हमें इसके अंदर से जो स्टेनलेस स्टील के वो होते हैं वो हमें साफ करने होते हैं। इस तरह का बुर्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। आइए अब नीचे की आपको चीज़ें इसमें दिखाते हैं कि इसमें नीचे क्या क्या होता है। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था स्टेनलेस स्टील का होता है, इसके अंदर देखिए जाली फिटेड है, ये जाली फिटेड होती है आपका। ये देखो हमने बेसन पीसा से थोड़ी देर पहले, हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि हमने बेसन किस प्रकार से पीसा है, बारीक मोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अंदर जाली लगानी पड़ती है, यहाँ पे जाली लगती है, ये देखिए जाली, ये बेसन के लिए जाली है, ये इस तरह से इसमें फिट हो जाती है, ये हो गई आपकी फिट जाली, और इसी इस पर तरह से लगा दिया जाता है आपका। लगाने के बाद ये आपको इसमें घेर दिया जाता है,
और इसे स्क्रू को पेज करना होता है पूरा टाइट करके। ये देखिए इस तरह का आपको इसमें डिफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपका जितना भी आटा है, बेसन है, मसाले हैं, जो भी आपकी चीज़ है वो इसमें इकट्ठी हो जाती है। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा और सारी चीज़ें आपको हम पीस के भी दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को, इस तरह की एजुकेशन वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।